फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन स्टाइल में मैक्सिकन टैकोस। जी हाँ, हम इंडियन स्टाइल में बनाएंगे उसको, और हम सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो है वो घर में इजीली अवेलेबल ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और इसको लाइक, शेयर और रिकमेंड भी जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर विजिट करें और उसको लाइक करें। आप हमारे लिंक्स भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इन रेसिपीज का मजा ले सकें। तो आइए अब हम इन्हें बनाने की विधि शुरू करते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी जान लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम दो रोटी ले रहे हैं। आप बच्चों की रोटी भी ले सकते हैं, फ्रेश भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी सुबह की रोटी लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मींस एक टाइम पुरानी रोटी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर मिक्स्ड हर्ब्स ले रही हूँ, ऑरेगानो भी ले सकते हैं, चाट मसाला। यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप लिया है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जी ले रही हूँ, आप कोई भी बची हुई सब्जी ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पास्ता या पिज्जा सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ, मेयोनीज, थोड़ा सा बटर, बटर की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर चीज स्लाइसेस ले रही हूँ, आप चाहें तो ग्रेटेड चीज भी ले सकते हैं। मैंने ये देखिए गाजर को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है, और मैंने खीरे को भी इस तरह से पतला पतला काट लिया है। मैं थोड़ा सा पुदीना ले रही हूँ, आप चाहें तो धनिया भी ले सकते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे काटा है, और मैं उसके अंदर इस तरह से आलू जो है वो डालूंगी। आप पनीर के टुकड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ग्रिल करेंगे और फिर हम उसके अंदर इसको पैटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर थोड़ी सी जो है प्याज ले रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हम एक ग्रिल पैन लेंगे, आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं या फिर सिंपल पैन भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम हमारे जो आलू हैं, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको एक मोटी से शेप में काटा है, तो मैं इसकी एक टिक्की की तरह इसको थोड़ा सा ग्रिल कर लूंगी। आप चाहें तो पनीर के पीसेस भी ले सकते हैं, तो इसका काफी अच्छा अंदर से टेक्सचर आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा पतला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और हम इनको दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्रेक करते हैं। आप चाहें तो आलू के पीसेस भी कर सकते हैं, लंबे लंबे पीसेस करके वो भी डाल सकते हैं। अब हम इन्हें दोनों साइड से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। और अब हम हमारे टैकोस बनाने की तैयारी करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक रोटी ले लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी केचप डालेंगे, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। और मैं यहाँ पर पास्ता सॉस डाल रही हूँ, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और हम इसको पूरा स्प्रेड कर लेंगे। मैं काफी ऑफन ही इसको बनाती रहती हूँ, जब भी हमारे घर में रोटी बच जाती है तो मुझे सैलेड के साथ इस तरह से टैकोस बना के खाना बहुत पसंद है। आप देखिए इसके अंदर हम एक चीज जो है वो डाल देंगे। आप चाहिए तो चीज के टुकड़े कर करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहिए तो इसके अंदर ग्रेटेड चीज जो है वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है चीज स्लाइस ले रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर हमारी सब्जियां डालेंगे। मेरे पास थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सब्जी बच जाती है, ड्राई सब्जी, तो आप इस तरह से उसको स्प्रेड कर ले। ये देखिए इस तरह से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर हमारी जो सैलेड है वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं प्याज डाल रही हूँ, थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ, थोड़ा सा शिमला मिर्च। अब आप इसके अंदर इस तरह से दो पैटीज जो है, यानी कि दो आलू जो है, उस तरह से डाल दें। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से हम चाट मसाला डालेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर टमाटर भी डाल सकते हैं, मैं टमाटर नहीं डाल रही। ये देखिए इस तरह से हम खीरा ऐड कर देंगे और लास्ट में हम इसके ऊपर मेयोनीज जो है वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम मेयोनीज डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैं इसके अंदर थोड़े से पुदीने के पत्ते जो है वो भी डाल रही हूँ, इससे थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। आपके पास बेसिल है या आप धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब देखिए अब हम इस पे थोड़ा सा बटर लगाएंगे, अच्छी तरह से आप बटर लगा दें। अब देखिए इसको हम जेंटली जो है फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको फोल्ड करके प्रेस कर देंगे और फिर हम इसको हमारे ग्रिल पैन के ऊपर पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से जब ये एक साइड से हो जाएगा तो हम इसके ऊपर इस तरह से बटर लगाकर हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से। ये देखिए जब ये एक साइड से थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा तो हम इसको इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लाइंस फॉर्म हो गई हैं। इसी तरह से हम इसको थोड़ा सा तेज आंच पे दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से क्रंची करेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से बहुत अच्छा क्रंची हो गया है, अब हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से हम एक और बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह से मैंने जो है दूसरा भी बना लिया है, ये बहुत ही अच्छा देखिए कितना चीजी बना है ये। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं और बीच में से भी काट सकते हैं, पर मैं इसको इसी तरह से सर्व करने वाली हूँ। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारे जो इंडियन रोटी टैकोस है वो बनके तैयार हो गए हैं। मैंने इसको इसी तरह से सर्व किया है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप सैलेड डाल सकते हैं या इसको सैलेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा और आप इसको कभी भी बना सकते हैं, बिकॉज ये सारे इंडियन चीजों के साथ ही एक मेक्सिकन टाको हमने बनाया है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक शेयर और रिकमेंड भी जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट करें और उसको लाइक भी जरूर करें। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।